आज फिर तुम मिल गए। रोज रोज तुम लोग टोकते हो और रोज रोज मैं मना करता हूँ तुम लोगों को कि भाई मेरे को जहां सोच जाना मैं वहीं जाऊंगा। अरे भाई इससे होता क्या है, गांव की गंदगी, गांव से दूर रहे तो उससे अच्छा क्या है। अरे भाई तुम लोग ना समझोगे, प्रेशर हमारा बनता ही नहीं है ना। मना किया था तुमको कि बाहर शौच मत जाओ, तुम लोग नहीं मानने वाले हो, इतनी बीमारियां फैलती हैं बाहर शौच जाने से। अच्छा मजा आया होगा तुम्हें तो, बाहर गंदगी करके चले गए, इससे इतने सारे कीटाणु वायरसेस आते हैं जो आदमी के खाने में मिल जाते हैं और आदमी बीमार पड़ जाता है। तुम नहीं मानोगे, कल मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, आज के बाद मैं यहाँ आऊंगा भी नहीं किसी को रोकने के लिए, जब बीमार पड़ोगे तब खुद जानोगे। आ गए बहुत बुखार भाई, बहुत बुखार है, आज तो लगता है कि बहुत ही हो जाएगी। और एक गर्मी भी बहुत पड़ रही है, मस्त लग रहा है सुबह, और पेट में भी बहुत दर्द है। क्या होगा, बहुत दर्द है भाई पेट में, बने दस्त तो मुझे कभी नहीं लगे आज पता। अरे डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब है, थोड़ा देख लीजिए, बड़े पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको। पेट में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा पेट में दर्द है, बताइए कितने दिनों से पेट में दर्द चल रहा है आपके। सुबह से तकलीफ है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए आप कि आप सोच कहाँ जाते हैं। अरे शर्माइए मत, बताइए आप सोच कहाँ जाते हैं। खुले में शौच करने जाते हैं डॉक्टर साहब। अब आप ये बताइए कि आप खुले में सोच जाते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब से कि पेट दर्द दे रहा है। अरे भाई पेट तो दर्द देगा ही, आप अगर बाहर जाते हैं मल त्याग करने के लिए अपना, तो उसमें जो मक्खियां बैठती हैं वो उड़ करके आपके खाने में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बीमारियां होती हैं। आपको टाइफाइड हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि वो मक्खी आपके खाने में बैठी और उसके जो पैर पे बैक्टीरिया लगे थे वो आपके पेट में चले गए, जिसकी वजह से आप बीमार हो गए। अरे जानवरों से कुछ सीखिए, बिल्ली भी लैटरिंग करके उसको एक गड्ढे में दफना देती है। आप तो इंसान हैं, पता नहीं किसके किसके मल पे वो मक्खी बैठी होगी फिर आपके खाने में बैठ गई और आपका वो खाना दूषित हो गया, उसके अंदर बैक्टीरिया चले गए, आपने खाया और आप टाइफाइड का शिकार हो गए। इसीलिए सुलभ शौचालय में ही शौच जाइए, सरकार इतनी सारी योजनाएं दे रही है उसका इस्तेमाल करिए। बाहर शौच जाने से आपको आराम नहीं सिर्फ बीमारियां ही मिलेंगी। जी डॉक्टर साहब मैं समझ गया, आज के बाद मैं कभी भी बाहर शौच करने नहीं जाऊंगा। शौच करो दरवाजे के पीछे। भाई इसको तो मैंने समझा दिया, लेकिन आप सभी लोगों को भी ये समझना होगा कि शौचालय में ही शौच जानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और बार बार आप बीमार पड़ते हैं। इसीलिए आपको शौचालय में ही शौच जाना है और स्वच्छ भारत का सपना साकार करना है। जय हिंद जय भारत। मैं तो ठीक हो गया, अब मैंने प्रण ले लिया है कि मैं कनाके बाहर शौच करने नहीं जाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद कनाके आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और इसमें कमेंट करिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें बाहर शौच करने जाना चाहिए? अगर हाँ तो यस में जवाब दीजिए, अगर ना तो नो में जवाब दीजिए। और स्वच्छता ही सेवा है।